हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन की रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच पाए। इसके साथ ही अगर आप रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा देखें। हम इसके साथ छोटी छोटी ट्रिक्स भी शेयर करेंगे ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम गुलाब जामुन बनाएं तो आपके गुलाब जामुन हमेशा अच्छे बने। कभी कभी हमारे गुलाब जामुन बहुत हार्ड हो जाते हैं, कभी एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, तो हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गुलाब जामुन बनाना सीखेंगे। तो चलिए परफेक्ट मेजरमेंट के साथ गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 200 ग्राम मावा। ये काफ़ी हार्ड है, हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे। डो बनाने से पहले हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। साथ ही मैंने लिया है 1/4 कप मैदा। आप चाहें तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर जितना मावा लिया है हम उससे 1/4 हिस्सा मैदे का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है, इसलिए मैंने इसे 1/2 चम्मच लिया है। अगर आप बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल, आपको 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना पड़ेगा। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 1/2 कप पानी लिया है। इतना पानी डो बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें से थोड़ा पानी बच जाएगा। तो चलिए, ये हमारे गुलाब जामुन की डो के लिए तैयारी हो गई है। इसके साथ ही हम गुलाब जामुन सेकने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर तेल का इस्तेमाल करके भी गुलाब जामुन सेक सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम घी लिया है। साथ ही हम शुगर सिरप बनाने के लिए या चाशनी बनाने के लिए 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे, और हम जितनी चीनी लेंगे उससे 1/2 पानी लेंगे। साथ ही हम 2 से 3 इलायची लेंगे, हमें 1/2 पानी लगेगा। जितनी हमने चीनी ली है उससे 1/2 हमें पानी लेना पड़ेगा चाशनी बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले डो के लिए तैयारी करते हैं। क्योंकि मावा यहाँ पर काफ़ी हार्ड है, हम इसे डो बनाने से पहले सॉफ्ट कर लेंगे ताकि हमारे जो आटे में है वो गुठलियाँ ना बने। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए इसको गर्म किया है ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ ही इसको ठंडा करने के बाद हम इसमें मैदा मिक्स करेंगे। साथ ही बेकिंग पाउडर ऐड करते हुए और पानी ऐड करते हुए हम इसका डो बना लेंगे। हमें डो एकदम सॉफ्ट चाहिए, बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर गुलाब जामुन का डो हार्ड हुआ तो गुलाब जामुन फूलते नहीं हैं। इसको मिक्स करते ही हम इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पानी बच गया है और डो हमारा एकदम सॉफ्ट है। हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे ताकि एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ ही हम शुगर सिरप बनाने के लिए तैयार करते हैं। मैंने गैस को ऑन कर दिया है और इस पर एक बर्तन चढ़ा दिया है। इसके साथ ही मैं इसमें शुगर और पानी ऐड करते हुए इसकी चाशनी बना लूँगी। यहाँ पर मैंने खड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें शुगर सिरप को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे ही हमारी शुगर मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा चिपचिपापन चाशनी में आ जाए तो समझिए हमारी चाशनी तैयार है। गुलाब जामुन की चाशनी को बहुत गाढ़ा नहीं बनाते हैं, गुलाब जामुन की चाशनी पतली ही रहती है। तो इसमें थोड़ा सा चिपचिपापन आ गया है तो समझिए हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। गुलाब जामुन के डो को हम अच्छे से मसल लेंगे और इसको अच्छे से मसलते हुए हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इनको गोल शेप देंगे। ऐसे ही हम सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेंगे। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें घी डालते हुए मैं घी को गर्म करूंगी। हमें गैस का फ्लेम तेज ही रखना है। जैसे ही हल्का धुआं उठने लगे समझिए कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसे चेक करने के लिए आप एक छोटी सी आटे की गोली इसमें डालकर चेक कर सकते हैं। अगर ये एकदम से ऊपर आ जाए तो समझिए आपकी कढ़ाई गर्म हो चुकी है।
इस टाइम हम इसमें गुलाब जामुन डाल सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि घी का इस्तेमाल किया है सेकने के लिए, इसलिए इसमें थोड़ा सा झाग आ गया है। इसके साथ ही हम इसमें गुलाब जामुन डालेंगे और यहाँ पर हम फ्लेम को तेज ही रखेंगे। जैसे ही हम गुलाब जामुन डाल देंगे, मैंने यहाँ पर 6 गुलाब जामुन डाले हैं, हम इस टाइम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और साइड से चलाते हुए गुलाब जामुन को सेकेंगे। हमें गुलाब जामुन को टच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर गुलाब जामुन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और कलछी लगने के कारण वो टूट सकते हैं। तो साइड से चलाते हुए हिलाते हुए हम इनको अच्छे से सेकेंगे ताकि हमारे गुलाब जामुन पलटते रहें और स्लो फ्लेम पर ही हम गुलाब जामुन सेकेंगे। गुलाब जामुन में अच्छा कलर आ गया है और हमारे गुलाब जामुन एकदम सिक गए हैं। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे ही गुलाब जामुन सिक जाते हैं वो वजन में काफ़ी हल्के हो जाते हैं। ऐसे ही करते हुए हम सारे गुलाब जामुन सेक लेंगे और गुलाब जामुन को निकालते ही सीधे हम इसको चाशनी में डिप कर देंगे। हमें कढ़ाई से सीधे निकालते हुए गुलाब जामुन को चाशनी में डिप करना है। अगर गुलाब जामुन को ठंडा होने के बाद हम चाशनी में डिप करेंगे तो ये चाशनी अच्छे से नहीं पिएंगे और चाशनी इनके अंदर तक नहीं भरेगी, इसलिए हमें कढ़ाई से सीधे निकालते ही गुलाब जामुन को चाशनी में ऐड करना है। ये चाशनी को अच्छे से सोक करने के लिए कम से कम 5 मिनट लेंगे और इनमें चाशनी अच्छे से भर जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। और साथ ही अब मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करती हूँ। कभी कभी गुलाब जामुन सेकते हुए उसमें अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं और चाशनी अंदर तक नहीं भरती। इसके लिए आप गुलाब जामुन के डो में थोड़ा सा पानी ऐड करते हुए उसको और सॉफ्ट कर लीजिए। जब आप सॉफ्ट डो के गुलाब जामुन सेकेंगे तो वो कढ़ाई में अच्छे से फूलेंगे और उनमें गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर गुलाब जामुन सेकते हुए कढ़ाई में फैल रहे हैं या फिर सेक रहे हैं तो ऊपर से बहुत ही खुरदुरे बन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा मैदा कम है। हम गुलाब जामुन के डो में थोड़ा सा मैदा ऐड करके उसे फिर से मस लेंगे और उसके गुलाब जामुन बनाकर सेकेंगे। इससे गुलाब जामुन परफेक्ट। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसके साथ ही अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।